नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 1 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर पदों पर निकाली गई भर्तियां। दिल्ली के सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में जारी विज्ञापन के अनुसार टीजीटी, पीजीटी, काउंसलर और स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रही है। दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी 2020 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के पोर्टल edu.del.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। औरंगाबाद के पर्यटन स्थल में उमगा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मदनपुर प्रखंड के उमगा पहाड़ी पर स्थित भगवान सूर्य का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राचीन उमगा मंदिर है। यह मंदिर जिले ही नहीं बल्कि राज्य की धरोहर सूची में शामिल है। 1496 ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर के शिलालेख से पता चलता है कि पहले यह जगन्नाथ मंदिर था। 1496 ईसा में सूर्यवंशीय राजा भैरवेंद्र ने मंदिर के गर्भगृह में बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित की थी। बाद में यह प्रतिमा समाप्त हो गई। प्रतिमा को समाप्त होने के बाद भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित हुई। तब से यह मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 457 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 235,616 पर पहुंच गई है। वहीं सर्वाधिक 3 प्रभावित जिलों की माने तो राजधानी पटना में 154 मामले सामने आए हैं, वहीं सहरसा और पूर्णिया में 29 मामले सामने आए हैं। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में कई शहरों की लगातार गिरती जा रही है रैंकिंग। बिहार की स्मार्ट सिटी परियोजना को नजर लग गई है और यही कारण है कि अब स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आए शहरों की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। स्मार्ट सिटी को लेकर कभी टॉप 20 शहरों में रहने वाला राजधानी पटना अब काफी पीछे चला गया है। वहीं भागलपुर और बिहार शरीफ भी टॉप 100 रैंकिंग में काफी पीछे है। खास बात यह है कि पटना पहले से अहमदाबाद, सूरत और इंदौर जैसे शहरों से तो पीछे था ही, अब पटना और दोनों बिहारी शहरों की स्थिति वाराणसी और रांची जैसे समकक्ष शहरों से भी लगातार नीचे चली गई है। बिहार के कई राज्यों में अगले महीने से चलेगी शीतलहर। आज से दिसंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। वहीं आज से शुरू होने वाले इस महीने में सर्दी भी अपने तेवर दिखाने वाली है। हालांकि बीते कुछ दिनों में दिन के समय में निकलने वाले तेज धूप ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। मौसम के उतार चढ़ाव का दौर भी फिलहाल जारी है। वैसे दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो इस साल दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, न्यूनतम पारा भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शरद सागर की। शरद सागर का जन्म 24 अक्टूबर 1991 को बिहार के सिवान जिले के जरदाई इलाके में हुआ था। शरद सागर एक भारतीय सामाजिक उद्यमी और निपुणता ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ हैं। उन्हें 2016 में फोर्ब्स 30 के तहत 30 सूची में शामिल किया गया था। सागर एक उद्यमी के रूप में शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में 2008 में निपुणता ग्लोबल स्थापित की। सागर ने ओस्लो में टेलिनॉर यूथ फोरम 2016 में भाग लिया। वो क्वीन के यंग लीडर्स अवार्ड्स के लिए उपविजेता की स्थिति में थे। वहीं बिहार के शरद सागर हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के तौर पर भी नजर आए थे, जहां सही जवाब बताने पर अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ भी की थी। बिहार में होगा शैडो सरकार का गठन। इंग्लैंड की तर्ज पर अब बिहार में भी सरकार के कामकाजों को बेहतर बनाने और लोगों की समस्याओं से सरकार को रूबरू करवाने के लिए शैडो गवर्नमेंट का गठन किया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट का गठन बिहार के कुछ समाजसेवी संगठनों ने मिलकर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट का नाम शामिल है। इंग्लैंड की तर्ज पर यह गवर्नमेंट सरकार और जनता के बीच सेतु बनाकर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। शैडो गवर्नमेंट में सचिवालय भी काम करेगा। इसमें जनता की फरियाद भी सुनी जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें डॉक्टर से लेकर वकील तक की कई सामाजिक कार्यकर्ता और कई अन्य संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। पटना एयरपोर्ट से 15 दिसंबर से नहीं उड़ेंगी 11 जोड़ी फ्लाइटें। बिहार में बढ़ रही ठंड को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर 15 दिसंबर से 11 जोड़ी फ्लाइटों का परिचालन रद्द करवा दिया गया है। इनमें 8 बजे सुबह से पहले के 4 और 8 बजे रात के बाद पहले के 5 फ्लाइटों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 5 जोड़ी विमानों के शेड्यूल में परिवर्तन भी किया जाएगा। आपको बता दें, यह वैसी फ्लाइटें होंगी जो सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में चलती हैं। बाद में धुंध के बढ़ने से इनमें से कुछ को रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और विभिन्न एयरलाइंसों की तरफ से जल्द ही कंपनी संशोधित विंटर शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसमें टाइम टेबल में परिवर्तन को लेकर जानकारी साझा की जाएगी।
बिहार में कोरोना वैक्सीन के दो फेज का ट्रायल हुआ पूरा। बिहार में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का दो फेज पूरा हो गया है। अभी तक 250 से अधिक व्यक्तियों का निबंधन हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल की समीक्षा की। इसके बाद चौबे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। एम्स के निदेशक से डॉक्टर ठाकुर के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। उन्होंने बताया कि बिहार में आरटीपीसीआर जांच को लेकर 17 केंद्रों पर अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए बुनियाद केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा युक्त खुलेंगे वृद्धाश्रम। बिहार में अकेलेपन से प्रभावित वृद्धजनों के लिए 25 नए वृद्धाश्रम का संचालन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन इन वृद्धाश्रमों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। यह आश्रम बुनियाद केंद्र में संचालित होंगे। विभाग ने ऐसे वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम के संचालन को लेकर अलग अलग से भूमि या भवन की तलाश किए जाने के जगह बुनियादी केंद्र भवन के खाली हिस्से को ही आश्रम के रूप में तब्दील करने का निर्णय लिया है। बीते रात 12 बजे मनाया गया अवतरण दिवस। सिख धर्म के पहले धर्म गुरु श्री नानक देव जी महाराज का बीते दिन 551वां प्रकाश पर्व तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में मनाया गया। वहीं इस मौके पर प्रकाश पर्व के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। इसके साथ ही बीते रात 12 बजे गुरु महाराज का अवतरण दिवस भी मनाया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त साहिब में गुरु नानक जयंती के मौके पर सामूहिक अरदास कीर्तन और लंगर की व्यवस्था की गई थी। सोशल मीडिया से आसानी से मिल जाएगी समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आसानी से समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की सारी जानकारी मिल जाएगी। समाज कल्याण मंत्री अशोक चौधरी और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा वक्त में अधिकतर युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम शामिल है। इसलिए नई सरकार नई तरह के कवायद में जुट गई है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। दीघा एम्स एलिवेटेड रोड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दीघा एम्स एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इसके मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और डीएम कुमार रवि ने पहले ही निर्माण कार्य का जायजा लिया। फुलवारी शरीफ में सड़क के उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, इसलिए अधिकारियों की टीम ने महापार्किंग स्थल को पहले ही देख लिया था। साथ ही एलिवेटेड सड़क पर रंग रोगन का काम भी उद्घाटन से पहले ही पूरा कर दिया गया था। आपको बता दें, यह बिहार में सबसे बड़े एलिवेटेड परियोजना है। यह NH 98 के एम्स गोलम्बर से शुरू कर जेपी सेतु के दक्षिणी छोर पहुंच पथ में समाप्त होती है। लालू यादव की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चारा घोटाले मामले में सलाखों के पीछे बंद लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में 3 लेयर की सुरक्षा प्रदान की गई है। पहली सुरक्षा व्यवस्था पेइंग वार्ड के मेन गेट पर होगी, दूसरी पेइंग वार्ड के अंदर होगी और तीसरी लालू यादव के A11 कमरे के पास लगाई गई है। वहीं लालू की सुरक्षा को लेकर डिप्टी एसपी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि लालू यादव के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। बिहार आने जाने वाले 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के समय में हुआ बदलाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों के परिचालन समय में परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। CPRO राजेश कुमार की माने तो ट्रेन संख्या 02407 न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि स्पेशल, 04010 आनंद विहार टर्मिनस बापूधाम मोतिहारी, 04674 अमृतसर जयनगर शहीद, 04650 अमृतसर जयनगर, 04006 आनंद विहार टर्मिनस सीतामढ़ी ट्रेन के समय में बदलाव कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। किसान आंदोलन पर नीतीश कुमार ने दी प्रतिक्रिया। देश भर में किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे पंजाब और देश के बाकी हिस्सों से आए किसानों का आंदोलन लगातार 5 दिन से जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर सरकार भी गंभीर दिख रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कृषि कानून से फायदा होगा। केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है। जब बातचीत हो जाएगी तो किसानों को सही मायनों में जानकारी मिल जाएगी कि उनकी किसी भी फसल की खरीद में कोई बाधा नहीं आने वाली है। बिहार में आप के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बगावत
कर पद से हटाने का प्रस्ताव हुआ पारित। बिहार में आम आदमी पार्टी दो धरों में बट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह के खिलाफ एक बैठक का आयोजन भी करवाया गया था। बैठक में आपके नेताओं ने उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बैठक का कोई औचित्य ही नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कमेटी पहले से ही भंग हो गई है। कुछ लोग जानबूझकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तेजस्वी और चिराग के बेमतलब बयानबाजी की कही बात। बिहार में नई सरकार बनते ही विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया था। अप्रिय वाक्यों से लेकर सभी मामलों में विपक्ष लगातार आरोप लगाने में लगा हुआ है। इसी बीच महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में शामिल होने वाले हम पार्टी ने सरकार का पक्ष लिया है, जिसके तहत हम के प्रवक्ता विजय यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बेमतलब की बयानबाजी कर रहे हैं। राज्य में कानून का ही राज है, ये दोनों नेता बिना बात का बयानबाजी करने में उलझे हुए हैं। रेल मंत्री का ऐलान, रेलवे पर मिट्टी के कुल्हड़ से मिलेगी चाय। पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र की तरफ से ठोस कदम उठाया गया है, जिसके तहत अब रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के कपों में नहीं बल्कि मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान में ढिगा बड़ा बांदाकुई रेलखंड के विद्युतीकरण उद्घाटन समारोह में पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा समय में 400 स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जाती है। इसके उपयोग से पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, साथ ही लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बताते चले कि 16 साल पहले लालू यादव ने रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ के इस्तेमाल की बात कही थी, वहीं समय के साथ इसके प्रचलन को हटा दिया गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से इतिहास में दर्ज है। 1933 में भारत में कोलकाता और ढाका के बीच पहले यात्री विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। 1954 में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाज सेविका और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य मेधा पाटकर का जन्म हुआ था। 1959 में बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया था। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। 1974 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1990 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा राजनेता और राजनयिक विजयलक्ष्मी पंडित ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। विराट कोहली के कप्तानी को लेकर भड़के गौतम गंभीर। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 हार मिली है, जिसके बाद विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके तहत भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भी विराट की कप्तानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि विराट ने नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह को महज 2 ओवर ही क्यों दिए। सच कहूं तो मुझे उनकी कप्तानी समझ में नहीं आई। हम लगातार इस बारे में बात कर चुके हैं कि शुरुआत में विकेट लेना कितना अहम है। अगर हमें इस तरह के बैटिंग लाइनअप को रोकना है, फिर आप अपने मुख्य गेंदबाज से 2 ओवर करवाते हैं। ईपीएफओ से जुड़ी हर समस्या का हल निकालेगा अब व्हाट्सएप भी। भविष्य निधि खाताधारक अब अपनी किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कोरोना के माहौल को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की है। इसके लिए सभी उपभोक्ता पीएफ खाते से रकम निकासी से लेकर दूसरी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। अब तक 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में ईपीएफओ के सभी व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी है। अब कोई भी नागरिक जहां पर उनका पीएफ खाता है, इससे किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से ईपीएफओ से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की याद में अंकिता लोखंडे ने शेयर किया एक डांस वीडियो। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डांस करती नजर आ रही हैं। दरअसल इसमें अंकिता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देती नजर आ रही हैं। अंकिता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि इस बार चीजें काफी अलग हैं और परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल है। मेरे से तुम तक बहुत दुख हो रहा है। दरअसल अंकिता लोखंडे जी सिने अवार्ड में इस बार परफॉर्म करने वाली हैं, जिसके लिए वो डांस सीख रही हैं। सुशांत के साथ सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव अर्चना के किरदार को याद करते हुए अंकिता यह डांस कर रही हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,240 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,240 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,100 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.99 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था।
बिहार में 90,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर लगभग 90,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिलते ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 30,000 तो मध्य में लगभग 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारी में जुटा है। उच्च न्यायालय में क्लियरेंस मिल गया तो आदेश आते ही शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगा। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई महीने में शिक्षा विभाग ने करीब 1,25,000 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, सरफुद्दीन जन, आरके, पीके, अजीत कुमार, विपुल तिवारी, केशव कुमार, मनोज कुमार, राहुल कुमार प्रजापति, संजीव राज, गुलशन कुमार राज, संदीप सिंह, सुवेश कुमार, राहुल कुमार, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। रेलवे की तरफ से मिट्टी के कुल्हड़ में चाय बेचने का फैसला पर्यावरण संरक्षण में सहायक साबित होगा या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।